नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आज हम बनाएंगे पानीपुरी का रगड़ा। दोस्तों, पानीपुरी का रगड़ा कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी मैं आज परफेक्ट बताऊंगा। तो यहाँ पर कुछ बटाटे लिए मैंने, ये बटाटे उबाल के ले लिए। और यहाँ पर ये दोस्तों काबुली चना, इसको भी मैंने अच्छे से उबाल के ले लिया। और यहाँ पर कुछ मसाला है, यहाँ पर पीला कलर है, यहाँ पर सादा नमक है, चाट मसाला है, और यहाँ पर एक काला नमक। तो इन्हीं चीज़ों से बनाऊंगा मैं आज रगड़ा। चलते शुरुआत करते हैं रगड़ा बनाने के लिए। रगड़े बनाने के दोस्तों सबसे पहले मैंने कढ़ाई ली, अभी इसके अंदर तेल ऐड कर दूंगा। यहाँ पर 50 ग्राम तेल ऐड किया मैंने। गैस हमारा चालू है, अब इसके अंदर डालूंगा मैं जीरा। जीरा अच्छे से भून जाएगा। यहाँ पर हमारा जीरा है वो अच्छे से भून गया है। अब इसके अंदर डालूंगा मैं बटाटा और अब डाल दूंगा छोले जो काबुली चने हैं वो। अच्छे से मिक्स करके ले लूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों छोला और कर देंगे एकदम महीन, यानी दबा के हल्का हल्का पूरा कद्दूकस करके ले लेंगे इनको। तो बहुत शानदार पानी पूरी का रगड़ा बनने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पर अच्छे से कद्दूकस हो गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों छोला और बटाटा मिक्स हो गया और ये बारीक हो गया है। अभी इसके अंदर डाल दूंगा मसाला। मसाला मैंने आपको पहले ही बता के ले लिया, साठ मसाला, काला नमक, सादा नमक, अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा रगड़ा बनके रेडी हो गया, आप देख सकते हो। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी रख सकते हो, नहीं तो इसके अंदर पानी डाल के इसको पतला करके भी रख सकते हो। तो हम इसमें पानी डाल के इसको पतला करके रखेंगे ताकि बार बार हमको गर्म करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो अब इसके अंदर पानी ऐड कर देते हैं हम, या इसके अंदर आधा लीटर पानी ऐड किया। अब इसको मिक्स कर देंगे पूरा और एक हल्का सा उबाल ले लेंगे। तो यहाँ पर बहुत लाजवाब पानी पूरी का रगड़ा है वो बन के रेडी हो गया है। तो इस तरह बनाते हैं दोस्तों पानी पूरी का रगड़ा, जो बहुत लाजवाब बन के रेडी हो गया है। पर दोस्तों रगड़ा बन के रेडी हो गया और आप देख सकते हो इसी तरह इसको पानी पूरी के अंदर भर के इसके अंदर खट्टा और मीठा पानी डाल के हम ग्राहक को पानी पूरी देते हैं। तो ये रगड़ा हमारा एकदम क्लियर तैयार हो गया है। इसी तरह आप ज़रूर बनाएं। ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। जय हिंद।